हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम गर्व ठाकुर जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है, रियल पॉल मर्फी फैन। उन्होंने जितनी भी गेम्स मुझे बताई हैं सब पॉल मर्फी की गेम्स की ही हैं। तो आज की हमारी गेम 1857 की है, जहां पॉल मर्फी का मुकाबला था थियोडोर क्रिस्टन हाइंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉल मर्फी ने यहाँ e4 के साथ शुरू किया, तो थियोडोर ने यहाँ e5 खेला। नाइट f3, नाइट c6, बिशप c4, बिशप c5, देन हुआ b4, इवांस गैम्बिट एक्सेप्टेड बाय बिशप टेक्स b4 बाय ब्लैक, देन हुआ c3, दोबारा बिशप पर अटैक बना, बिशप गया c5 स्क्वायर पर। इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया, दैट्स ऑब्वियस मूव। नाइट f6, यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन हुआ d4, e टेक्स d4, c टेक्स d4, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया b6 स्क्वायर पर, दैट्स ओके। लेकिन व्हाइट ने आपने इस ई पॉन को आगे पुश किया, तो ब्लैक ने भी यहाँ डी पॉन को आगे पुश किया। वैसे तो नाइट पर अटैक है, तो नाइट कहाँ जाए? अगर नाइट d5 स्क्वायर पर जाता है तो डेवलपमेंट का लॉस होता है, तो ठीक है, डी पॉन को आगे पुश करना है यहाँ ब्लैक के लिए। ई टेक्स f6, डी टेक्स c4, एफ टेक्स g7, रुक पर अटैक, रुक गया g8 स्क्वायर पर। ये काफी अच्छी लाइन है। यहाँ अब ब्लैक कम से कम कैसल आराम से नहीं कर पाएगा। ऊपर से यहाँ व्हाइट एक चेक दे रहा है अपने रुक को e1 स्क्वायर पर ले जाकर। नाइट गया e7 स्क्वायर पर, देन बिशप g5, और यहाँ इस पर और भी ज्यादा प्रेशर है नाइट के ऊपर, तो बिशप e6 कम से कम यहाँ इस नाइट की पिन को कुछ हद तक कम किया। नाइट c3, यहाँ व्हाइट का मूव आया, और अब क्या किया जाए फ्रेंड्स? एक मूव मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, हालांकि व्हाइट को इतना फायदा अभी और नहीं होने वाला, खासकर इस डी पॉन को आगे पुश। तो आई थिंक ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं c6 के ऑप्शन को बेटर कंसिडर करूंगा, लेकिन यहाँ सी पॉन को आगे पुश ना करके ब्लैक ने अपने बिशप को लिया a5 स्क्वायर पर, नाइट को पिन किया, रुक तक अटैक आ रहा है। तो अब क्या किया जाए? आई थिंक व्हाइट यहाँ अपनी क्वीन से चेक दे सकता है, उसके पास एक अच्छा गेम प्ले है। ऐसा अगर देखें तो टेक्टिकली, वैसे तो चेक देने के साथ यहाँ बिशप पर अटैक बनता है, लेकिन यहाँ सी पॉन को आगे पुश करके सब कुछ मैनेज हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पर व्हाइट पहले अपने नाइट को e4 स्क्वायर पर ले जाकर आगे आने वाले समय में क्या चेक क्या थ्रेट दे रहा है यहाँ क्लियर है। अगर बिशप से रुक लिया भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो यहाँ ब्लैक पहले करेगा रुक टेक g7, देन बिशप टेक्स e7, और यहाँ ब्लैक को करना ही होगा किंग टेक्स e7, अदरवाइज ये बिशप पर डिफेंडेड हो सकता है। और इसके बाद क्वीन a3 चेक, किंग d7 स्क्वायर पर, नाइट e5 चेक, किंग जाएगा c8 स्क्वायर पर। अच्छा खासा प्रेशर, और व्हाइट की डोमिनेंस इस गेम में और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ हुआ था नाइट e4, और ब्लैक को ऑफर दिया कि ठीक है आप ले सकते हैं इस रुक को, लेकिन थ्रेट वही है कि किस तरह की चेक आने या किस तरह की फॉक आने वाली, बल्कि इनफैक्ट चेकमेट की थ्रेट है। रुक टेक g7 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा, देन फिर भी हुआ नाइट f6, किंग को f8 स्क्वायर पर जाना ही पड़ा, देन हुआ रुक e5। मैं इस मूव को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस रुक के पिन होने को, लेकिन अब ये रुक जाएगा भी तो कहाँ? मान लेते हैं कि रुक अगर g6 स्क्वायर पर जाएगा भी तो नाइट टेक्स h7 चेक होगा, किंग को मूव करना होगा, फिर नाइट की चेक आती है, फिर भी व्हाइट को यहाँ काफी डोमिनेटिंग पोजिशन मिल सकती है। फिर ब्लैक ने यहाँ पहले किया c6, देन हुआ बिशप h6, रुक फाइनली यहाँ पिन हुआ ही हुआ, देन नाइट f5। ब्लैक ने भी कहा कि जो कुछ भी आपको करना है थोड़ा जल्दी करें, लेकिन यहाँ व्हाइट के पास रुक टेक्स f5 की एक बहुत अच्छी ऑप्शन थी। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक्स f5 होने के बाद नाइट h5 यहाँ पर पहले व्हाइट कर सकता है, और उसके बाद ये रुक लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर व्हाइट को मिलने की संभावना है। लेकिन यहाँ हुआ था रुक टेक्स e6, सरप्राइजिंगली एफ टेक c6 होने के बाद हुआ नाइट g5। और फ्रेंड्स, व्हाइट यहाँ किस तरह की गेम खेल रहा है वो गजब का। वो यहाँ अगले मूव में फ्रेंड्स क्या थ्रेट दे रहा है आप देख सकते हैं। तो क्या ब्लैक यहाँ इस नाइट को ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर क्वीन टेक्स f6 होगा तो नाइट टेक्स h7 चेक, क्योंकि यहाँ ये रुक होगा पिन, तो किंग क्वीन पर बहुत अच्छी फॉक लगेगी। तो थ्रेडर ने यहाँ अपने किंग को लिया e7 स्क्वायर पर, लेना ही पड़ेगा। देन हुआ बिशप टेक्स g7, नाइट टेक्स g7, देन क्वीन गई f3 स्क्वायर पर, और यहाँ आपने इस नाइट पर डिफेंस किया। और अब मेरे ख्याल से ब्लैक क्या कर सकता था, नाइट को e5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ क्वीन की इस लाइन को ब्लॉक किया जा सकता था। अब इस नाइट को वापस लेना ही पड़ता यहाँ पर, लेकिन ऐसे क्रूशियल पॉइंट पर ब्लैक से काफी बड़ा, मैं कहूंगा, ब्लंडर हुआ। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स d4। दिखने में लगता है कि ठीक है, यहाँ नाइट पर प्रेशर बनता है, अगले मूव में रुक भी सामने आने का खतरा है, लेकिन यहाँ पर पहले हुआ रुक d1। और फ्रेंड्स, रुक के d1 स्क्वायर पर आने के बाद प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है
पहले तो क्वीन पर अटैक होता है, और किसी भी तरह की अगर कोई चेक यहाँ ब्लैक को देखने को मिली तो अब ये किंग को डी फाइल पर ही धकेला जाएगा, अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम हो सकते हैं। चलिए गेम में देखते हैं गेम में क्या हुआ था। यहाँ हुआ था बिशप डी टू, और ऊपर से यहाँ ये दूसरी गलती थियोडोर ने की, क्योंकि यहाँ अब पॉल मर्फी का मास्टर गेम शुरू हो चुका है। उन्होंने यहाँ किया नाइट जी, यहाँ सेक्रीफाइस क्यों किया गया है फ्रेंड्स, कमाल का मूव है। अगर यहाँ मान लेते हैं कि, और चूंकि यहाँ ये नाइट जानबूझकर सेक्रीफाइस किया गया है, तो किंग को मूव कर लेना चाहिए था, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन एफ8 चेक होगा, किंग C7 स्क्वायर पर जाएगा, और यहाँ ब्लैक को अपना रुक भी गंवाना पड़ेगा, तो ये भी इतना अच्छा मूव नहीं है। खैर यहाँ ब्लैक ने किया रुक टेक G8, लेकिन क्या यहाँ थियोडोर इस चेक के साथ रुक कर अटैक को भूल गए थे, देखते हैं। क्वीन F7 चेक, किंग कहाँ जाएगा, किंग जाएगा D5। डी फाइल में जाने के बाद और प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो किंग D6 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो रुक टेक्स D2 यहाँ पहले वाइट कर सकता है। क्वीन टेक्स D2 होने के बाद होगा नाइट E7 E4 चेक, और किंग क्वीन पर फोक होगी, रेजिग्नेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को लिया D8 स्क्वायर पर, लेकिन फिर भी यहाँ फाइनल मूव चलने का मौका मिला और मर्फी को, उन्होंने यहाँ अपना मूव चला नाइट F3, और यहाँ इस मूव के बाद थियोडोर ने रिजाइन कर दिया। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ब्लैक के साथ है कि वो अपने रुक को नहीं बचा पाएगा चेक के साथ, यहाँ नाइट भी गंवाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ आप देखिए कि फोक है यहाँ क्वीन और बिशप पर। चलिए इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, तो ब्लैक को यहाँ सबसे पहले अपनी क्वीन को मूव करना होगा। क्वीन मान लेते हैं अगर वो डी फाइल पर रखते भी, देन रुक टेक्स D2 और क्वीन पर फिर दोबारा अटैक। वेल फ्रेंड्स, क्या कमाल की गेम थी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को गर्व ठाकुर जी की बताई हुई गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।